बेटी को मृत घोषित कर दिया। युवती ने मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया। परिवार नाराज है, उसे मरा मान शोक संदेश छपवाया। जबकि लड़की देवास में एक लड़की की मौत पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। आरोप है कि लड़की मुस्लिम युवक से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे चुकी है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। ये शोक संदेश किसी मृत व्यक्ति के लिए नहीं छपवाया गया। जबलपुर के एक परिवार ने अपनी जिंदा बेटी को मृत घोषित कर दिया और बकायदा शोक संदेश छपवाकर उसकी मृत्यु भोज और पिंडदान की बात कही। बेटी के मुस्लिम युवक से शादी करने पर नाराज इस परिवार ने उससे जीते जी मरा मान लिया है, उससे कुपुत्री और नरकवासी तक बताया। बताया जा रहा है कि युवती ने परिवार की जानकारी के बिना शादी की थी। इससे परिवार इतना आहत है कि बेटी को मृत घोषित कर दिया। तो एक तरफ परिवार ने बेटी को जीते जी मरा मान लिया है, लेकिन देवास में एक बेटी ने अपनी जिंदगी खुद खत्म कर ली। लोगों का कहना है कि लड़की ने मुस्लिम युवक के दबाव में आकर एसिड पी लिया। इस घटना के बाद हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक थाने पहुंचकर हंगामा किया और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो हमने जो महिला से बयान दिलाए वो पूरे बयान पे FIR नहीं हुई है। महिला ने बताया कि मेरे को यौन शोषण बनाने के लिए प्रेशर कर रहा था लड़का, तो वो लाइन भी नहीं लिखी है। हमको यहाँ से ये बोला गया कि महिला का पुलिस आएगी जब यहाँ पे FIR होगी। बताया जा रहा है कि युवती ने मुस्लिम युवक से प्रताड़ित होकर जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू संगठन ने थाने का घेराव करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छिपरा में एक महिला के द्वारा जो है पॉइजनिंग सब्सटेट कुछ पदार्थ खा लिया गया था, जिससे उसकी बाद में मृत्यु हो गई। उस बात को लेकर सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने मर भी कायम किया है और एक पृथक से FIR दर्ज हुई है। इसमें हम लोग उसका PM करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में परिवार ने बेटी को मरा मार लिया। देवास का परिवार बेटी की मौत से दुखी है। हिंदू संगठनों ने मामले में कार्रवाई ना किए जाने पर बंद की चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जबलपुर से पवन पटेल और देवास से वरुण राठौर की रिपोर्ट। और उज्जैन से खबर बता दें आपको, बड़ी खबर है।